students, myself Vijender Singh from Navprakti Senior Secondary School, Mandi, Dabhol. Last lecture में जो अपन ने बात की थी वो थी मैट्रिक्स. उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स. लेकिन टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले दो टॉपिक अपने जो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे, एक था ऑर्डर और एक है प्लेसमेंट, उनके बारे में अपन बात करें. जनरली ऑर्डर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो एम क्रॉस एन. एम का मतलब क्या था? नंबर ऑफ रोज. और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स. अब नेक्स्ट अपने पास है एलिमेंट. एलिमेंट मतलब ए आई जे. जो आप जनरल रोटेशन देंगे वो अपने पास एलिमेंट की आएगी ए आई जे. आई का मतलब है विच रो, और जे का मतलब है विच कॉल. आई का मतलब विच रो और जे का मतलब है विच कॉल. तब आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स. टाइप ऑफ मैट्रिक्स को अपने दो पार्ट में रखा है, एक ए और एक बी. फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे ए के बारे में. ए में जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक कंडीशन लिखी है एम नॉट इक्वल टू एन. एम का मतलब नंबर ऑफ रोज, एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम. साइन है नॉट इक्वल का, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. तो अपन एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसका. कोई भी एक मैट्रिक्स अपन लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, 2, 4, 6, 3, 2, 1. देखिए अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, 2 रोज हैं और 3 अपने पास क्या है कॉलम. इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या बन गया 2 × 3, मतलब 2 नॉट इक्वल टू 3. तो ये अपने पास एग्जांपल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का. नेक्स्ट अपने पास जो है एग्जांपल वो नेक्स्ट है स्क्वेयर मैट्रिक्स. स्क्वेयर मैट्रिक्स और यहां अपन लिखा हुआ है m इज इक्वल टू n. m इज इक्वल टू n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 3. ऑर्डर क्या बनेगा इसका? 2 × 2. अगर एक और एग्जांपल लिख दूं मैं, b इज इक्वल टू 4, 3, 2, 1, 4, 5, 7, 3, 9. अब इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3, मतलब इसमें क्या है अपने पास 3 × 3, 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, और यहाँ 2 रोज और 2 कॉलम. इसका मतलब ये एग्जांपल है स्केयर मैट्रिक्स का. नेक्स्ट जो अपने पास है, नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स नाम से ही आप समझ सकते हैं, ऑर्डर लिखा हुआ 1 × n. नंबर ऑफ रोज क्या रहेगी 1 और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे n. इट मींस अगर कोई मैट्रिक्स सिंगल रो कंटेन कर रही है, कॉलम कितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन जो अपने पास नंबर ऑफ रोज होंगे वो क्या होंगे? सिंगल. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 7, 9. आप इसको सो ऑन भी लिख सकते हैं n एलिमेंट्स. तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें अपने पास क्या है? सिंगल रो है और अपने पास कॉलम कितने हैं? 6. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 × 6. तो आप इसको सो ऑन लिख सकते हैं. यहां पर जनरल ऑर्डर लिखा है. जनरल ऑर्डर मतलब सिंगल रो और n कॉलम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट जो है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स मतलब नाम से इसका भी पता चल जाएगा, m क्रॉस 1. इट मींस नंबर ऑफ रोज अपने पास m रहेंगी लेकिन नंबर ऑफ कॉलम अपने पास क्या रहेंगे? 1 रहेंगे. अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम हो लेकिन नंबर ऑफ रोज क्या हो? m हो, तो इट मींस वो क्या होगी अपने पास? कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 7, 9. तो ये अपने पास एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है जीरो मैट्रिक्स. अब यहां एक छोटी सी कंडीशन है कि ऑल आई जे. आई जे का मतलब ऑल एलिमेंट्स जो आप रिप्रेजेंट करते हैं आई और जे से, विच रो विच कॉलम. ऑल आई जे इज इक्वल टू जीरो मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स. आप इसकी नोटेशन देंगे कैपिटल ओ से. नोटेशन क्या देंगे? कैपिटल ओ से. ये अपने थे ए के पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट था इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहां एम नॉट इक्वल टू एन रहेगा. नेक्स्ट अपना था स्क्वेयर मैट्रिक्स जहां एम इज इक्वल टू एन रहेगा.
थर्ड पार्ट है रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो कंटेन होएगी। नेक्स्ट है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम कंटेन होएगा। एंड लास्ट जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। बी पोर्शन में फर्स्ट जो पॉइंट है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्टली अब आप इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर कंडीशन कंडीशन पढ़ेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स। यहां क्या लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू J, मतलब विच कॉलम और विच रो, विच रो और विच कॉलम। देखिए एक एग्जांपल, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 7, 9, 11, 1, 4, 9। जब भी आपने डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है आप देखेंगे I इज इक्वल टू J। मैं एलिमेंट्स लिखा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा है A1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मींस I इज इक्वल टू J, ये एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और लास्ट अपने पास क्या है A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इट मींस जहां अपने पास I इज इक्वल टू J रहेगा वो अपने होंगे डायगोनल एलिमेंट्स। अब आपका बी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बिल्कुल इसी से रिलेट करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल जो अपन अभी एग्जांपल लिखा था कि A इज इक्वल टू 4, 2, 5, 7, 3, 9, 1, 2, 4। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब वही बात I इज इक्वल टू J, मतलब जहां भी अपने पास I इज इक्वल टू J है इस डायगोनल को आप क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ऑल IJ इज इक्वल टू 0 बट I नॉट इक्वल टू J, जहां I इक्वल नॉट इक्वल टू J रहेगा बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0। अब देखिए जो डायगोनल एलिमेंट आपने मेंशन कर रखी वहां अपने पास क्या है, I इज इक्वल टू J है, ये भी I इज इक्वल टू J है, ये 3-3 वाला एलिमेंट हो गया, ये भी I इज इक्वल टू J है। आपने कौन से एलिमेंट जीरो करने हैं, I नॉट इक्वल टू J। इट मींस ये जो एलिमेंट रहेंगे अपने जीरो, उसके बाद यहां भी अपने पास I इज इक्वल टू J नहीं है तो ये एलिमेंट भी अपने पास क्या रहेंगे, जीरो। तो ये जो एग्जांपल बन गया वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की खासियत है डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, और डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन जो एलिमेंट्स है अगर सेम आ गए तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे फिर आप रिलेट कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो तीन पोर्शन आपने बोले हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। लेकिन सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स में आपने देखा कि जी एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, स्केलर में आपने देखा कि एलिमेंट्स सेम रहेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब नीचे मेंशन किया गया, यूनिट मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब वन। इट मींस जितने भी अपने पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, यूनिट मतलब के वन। लेकिन इसकी जो नोटेशन होगी आप लिखेंगे कैपिटल आई से, कैपिटल आई से। अब अगर इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर इसका क्या है, 3 × 3, तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हो I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपने ए और बी दो पार्ट पढ़े। फर्स्ट आपने देखा रेक्टेंगुलर, एम नॉट इक्वल टू एन, स्क्वेयर मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू एन, रो मैट्रिक्स जिसमें अपने पास सिंगल रो कंटेन होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम रहेगा, और लास्ट था जीरो मैट्रिक्स मतलब के ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। फिर आप बी पोर्शन में आए, सबसे पहले आपने देखा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से थे, जहां आई इज इक्वल टू जे। इसी से आपने आगे पढ़ लिया कि प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बिल्कुल सेम रहा। उसके बाद अपने पास है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला गया, सारे एलिमेंट जीरो आएंगे लेकिन जहां आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा, मतलब आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए, वहां सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। नेक्स्ट अपने पास था स्केलर मैट्रिक्स,
तो आपने क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स तो थे लेकिन वो सारे क्या थे, सेम थे, स्केलर। तो ये उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। तो इसको आपने सिंपली क्या कर दिया, I3। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।